आप क्लास में क्या देख लेते होंगे, किसी समबाहु त्रिभुज के तीनों वर्टेक्स पर Q1, Q2, Q3 चाल रखे और तीसरे चार्ज अर्थात Q3 पर नेट फोर्स निकालना सीखे। आज हम लोग सीखेंगे एक स्क्वायर लेंगे हम लोग और स्क्वायर के वर्टेक्स पर क्या रखेंगे, चार्ज डेबरी। यह आपका वन लेते हैं, यहाँ क्या लेते हैं Q2 लेते हैं, यहाँ Q3 लेते हैं, यहाँ Q4 चार्ज लेते हैं और सबका नेचर अभी सेम ले लेते हैं प्लस है। इसको मान लेते हैं हम लेंगे पहला केस में सारे चार्ज का नेचर सेम कर दिए पॉजिटिव कर। तो बताइए इस Q4 पर लगने वाला नेट फोर्स कितना होगा। तो बताइए Q1 के द्वारा Q4 पर बल लगेगा कि नहीं लगेगा, कौन सा रिपल्सिव फोर्स लगेगा जिसको हम F1 कहेंगे, वेक्टर F1। फिर Q2 के द्वारा भी Q4 पर फोर्स लगेगा और ये कितना लगेगा इसको हम लोग मान लेते हैं F2। और फिर Q3 के द्वारा भी रिपल्सिव फोर्स लगेगा उसको कहते हैं F3। अब तीन फोर्स लग रहा है Q4 पर और हमको चाहिए क्या चीज, रिजल्टेंट फोर्स, नेट फोर्स चाहिए। क्या तीन फोर्स रहे कि 30 फोर्स रहे, सबका रिजल्टेंट निकालने का क्या मेथड बताए थे, रिजोल्यूशन मेथड और वेक्टर एडिशन सदिश योग के वियोजन नियम। क्या मतलब कि जितने भी फोर्स आपको दिया गया है सबको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अनुदिश उसको तोड़ दीजिए, रिजॉल्व कर लीजिए और फिर आगे बढ़ करके निकाल लीजिए। नहीं तो क्या करेंगे, तो पहले तो F1 हमको ज्ञात करना पड़ेगा। F1 ज्ञात करने के लिए क्या चाहिए, सबसे पहले चार्ज चाहिए, चार्ज दिया हुआ है, उसके बाद दोनों के बीच का डिस्टेंस चाहिए जो कि नहीं दिया हुआ है, तो हमको मानना पड़ेगा आर माने ये माने जो भी माने, तो क्या मान लें आर ही मान लें, चलिए आर ही, लेकिन साइड लोग लेता है ये से, चलो जो मानोगे सब सही हो जाएगा। और जानते हो ये F1 तो हम निकाल सकते हैं, कितना कैसे निकालेंगे, पहले तो डेट डालना भूल जाते हैं हम लोग, क्या आज का डेट क्या होगा, हाँ सेकंड फरवरी नहीं क्या, नहीं कौन सा क्लास होगा, 31st क्लास होगा, 31वां क्लास हम लोग पढ़ रहे हैं। चलिए क्या देखेंगे, तो F1 का मान पहले ज्ञात करेंगे इस MT के अंतर्गत, F1 का मान कोई बताएंगे क्या, वेक्टर का चिन्ह दोगे यहाँ लिखना होगा दिशा, लेकिन इसकी जरूरत हमको नहीं है, ये इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। और सो बोलिए किसी को है F2 भी आप निकाल सकते हैं, बोलिए F2 का मान क्या हो सकता है, 9 × 10⁴ हम भी r² यहाँ दे दें, अरे Q2 और Q4 के बीच लगने वाला बल ज्ञात करेंगे, इनके बीच की दूरी चाहिए और दूरी कोई बता सकते हैं कितना होगा, हाँ √2r होगा, कोई हाँ ऐसे जिनको नहीं समझ में आया कि √2r कैसे होगा, कैसे
गौर करो, ये कर्ण है कि अर्जुन है? इस ट्रेंगल में कर्ण है, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है? लॉन्ग स्क्वायर। यदि मान ले हम इसको ये बी सी डी, तो बताओ कि इन ट्रेंगल किस में? ABD में ये 90 डिग्री है, जो कि स्क्वायर है, तो 90 डिग्री के सामने का साइड या सामने की भुजा कर्ण कहलाता है। तो कर्ण का स्क्वायर किसके बराबर होगा? लंब स्क्वायर, जो आधार स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर प्लस क्या होगा? ए डी स्क्वायर। सही है क्या? चलो DC इक्वल टू ए बी का मान R है, ए डी का मान भी R है, क्या हो गया? 2R स्क्वायर। तो बताओ बी डी इक्वल टू हाउ मच? रूट अंडर 2R स्क्वायर। R स्क्वायर निकल जाएगा बाहर, तो क्या होगा? R रूट 2 होगा, उसको हम लोग लिखते हैं रूट 2R। समझ में आ गया होगा कैसे हुआ? चलिए यहाँ तक जब जान चुके हैं, क्या करना पड़ेगा हमको? रूट टू आर का होल स्क्वायर लिखना पड़ेगा। और ये आप लिख सकते हैं 9 × 10⁻⁹ Q2 Q4 बाय 2R स्क्वायर। इक्वेशन कौन सा? सेकंड। फिर चलेंगे ऑल्सो कहाँ? या थ्री याद करने के लिए वही पुरानी बात दोहराएंगे। हाँ, किसके किस Q3 या F3 क्या है? Q3 के द्वारा Q4 पर लगने वाला फोर्स। Q3 के द्वारा निकालेंगे तो क्या होगा? Q3 R² ये इक्वेशन क्या हो गया? और क्या सब का मान दिया रहता है Q1 Q2 Q3 Q4, तो क्या इसका न्यूमेरिकल वैल्यू आसान नहीं हो जाता? 2, 4, 3, 2 कुछ भी ऐसे आ सकता है। चलिए ये तो कर ही सकते हैं आप। अब क्या करना है कि नेट फोर्स ऑन क्या? F2 पर नेट फोर्स निकालने के लिए रिजोल्यूशन मेथड की जरूरत पड़ता है ऐसे केस में, तो उसमें एंगल की भी जरूरत पड़ता है। तो बताइए कि पहले तो आप क्या करेंगे? एक्स एक्सिस मानेंगे, फिर वाई एक्सिस मानेंगे। तो चलिए हम बात करेंगे कि यदि इसको हम एक्स एक्सिस मान लें, मान सकते हैं इसको एक्स एक्सिस, दिखाई कम देता होगा, ये एक्स एक्सिस होगा, सब में इनकम एक्स एक्सिस। इसको क्या कहेंगे? वाई, ये वाई एक्सिस ले लेते हैं। ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। तो बताइए कि आप एफ वन तो एक्स एक्सिस के अनुदिश है ही, और एफ थ्री भी वाई एक्सिस के अनुदिश है। इसको तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस के अनुदिश नहीं रहता है उसी का हम टुकड़ा करते हैं, कंपोनेंट निकालते हैं। कौन नहीं है? एफ टू। तो उसका टुकड़ा निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको? एंगल की जरूरत पड़ेगा। तो बताओ ये एंगल आपको पता है, ये एंगल कितना होगा? 45। क्यों? आप जानते हैं ये वर्ग है, स्क्वायर है, तो स्क्वायर का ये एंगल कितना होगा? 90 नहीं, समूह कोण समान होता है। और ये जान रहे हैं क्या है? दो भाई मोटेगा ही, जान रहे ना? चलो तो ये क्या हो गया? 45 डिग्री हो गया। तो हमको इसका टुकड़ा निकाल सकते हैं। तो हम चलेंगे लोग क्या निकालना है, लोगों का मंजिल क्या है? नेट फोर्स ऑन F2 नहीं, ये नेट फोर्स ऑन Q4 Q4 पर नेट फोर्स निकालने के लिए हमको चाहिए पहले F2 नहीं, सबसे पहले चाहिए कि सम ऑफ द
यक्स कंपोनेंट्स नहीं लिखिए सम ऑफ द यक्स कंपोनेंट्स किसका यक्स कंपोनेंट्स आप गिवन ऑल वेक्टर्स दिए गए गिवन ऑल वेक्टर्स दिए गए सभी सदिशों के यक्स कंपोनेंट का योग बोलो यक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा तो यक्स एक्सिस के अनुदिश यफ वन तो है ही उसको तो टुकड़ा करने की जरूरत नहीं है अब यफ टू का टुकड़ा करो तो जिधर एंगल उधर कॉस क्या होगा यफ टू कॉस 45 डिग्री और यफ थ्री का यक्स कंपोनेंट निकालिए क्या होगा जिधर एंगल उधर क्या हो जाएगा कॉस क्या होगा यफ थ्री कॉस हेलो 90 कॉस 90 और कॉस 90 का मान क्या होता है जीरो इसलिए ऐसे केस में आपको सवाल बनाना है प्रोसेस में नहीं जाना है हम जान रहे हैं कि ये वाई एक्सिस के अनुदिश है इसको क्यों तोड़ेंगे हम एक्स एक्सिस के अनुदिश तोड़ेंगे कुछ नहीं करेंगे उसको इसलिए उसको कुछ कोई चर्चा उस पर नहीं कीजिए ये हो गया दिस इज इक्वल टू क्या लिखेंगे एफ वन कॉस 45 का मान क्या होता है 1/√2 क्या लिखेंगे 1/√2 एफ टू बताओ f1 f2 यहाँ निकाला हुआ है तो पुट करेंगे तो x का मान नहीं निकल जाएगा ये निकल जाएगा और आल्सो आपको क्या चाहिए जल्दी बोलिए y एक्सिस सम ऑफ द y कंपोनेंट y कंपोनेंट किसका ऑफ गिवन ऑल वेक्टर्स यानी दिए गए सभी सदिशों के y कंपोनेंट्स का योग बोलो y इक्वल टू क्या लिखेंगे देखिए y की ओर y की इसका बलिया फोन का कंपोनेंट होगा इसके अनुदिश जीरो हो जाएगा लिखने की जरूरत नहीं है लेकिन f2 का लिखेंगे क्या हो जाएगा f2 sin f2 जिधर एंगल उधर cos हुआ है जिधर एंगल नहीं है उधर क्या लेंगे sin f2 sin 45 f2 sin 45 डिग्री नहीं प्लस f3 बहुत को दिमाग में आता होगा कि सर जिधर एंगल उधर cos लिए जिधर एंगल नहीं उधर sin लिए हैं इधर भी तो एंगल 45 है तो ऐसा भी तो कर सकते हैं एफ टू कॉस 45 हाँ कर सकते हो यहाँ देखो साइन 45 को या कॉस 45 को वैल्यू क्या होता है सेम वैल्यू आएगा कोई चेंजेज होगा समझ आ रही ना सेम साइन 45 को या कॉस 45 किसी तरह बनाओगे तो रिजल्ट वही आएगा प्लस क्या लिखेंगे F3 F3 क्योंकि y एक्सिस के अनुदिश कौन है F3 F3 है तो अब क्या लिखेंगे 1/√2 F2 प्लस F3 और ये आपका क्या हो गया y निकल गया और बताए थे कि x कंपोनेंट y कंपोनेंट दोनों जब हमको मेरे पास आ गया ये x एक्सिस y एक्सिस एक्सिस मानते हैं ये भी एक्सिस मेरे द्वारा बताया गया था इधर जो एक्स कंपोनेंट लिखे हैं या वाई कंपोनेंट लिखे हैं जिसको आई से गुणा करते ही क्या हो जाएगा वेक्टर बन जाएगा और इन दोनों वेक्टर का योग आप निकालना जानते हैं दोनों वेक्टर को एड करना जानते हैं नेट फोर्स इन दोनों का जो होगा इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वही नेट फोर्स ऑन क्यू फोर होगा हम लिखे हैं कि इसलिए नेट फोर्स किस पर नेट फोर्स ऑन Q4 क्या होगा हम F इज इक्वल टू लिखा F इज इक्वल टू कितना x वेक्टर इतना प्लस y वेक्टर वेक्टर के रूप में दिए लिख दिए तो नहीं लिखते कोई बात नहीं सीधा डायरेक्ट लिखते हैं F इज इक्वल टू कितना x प्लस अंडर
हाँ x स्क्वायर प्लस y बार हम कहे थे 90 वाले केस में आगे बढ़ने जा रहा नहीं है, नहीं है क्योंकि उसका मान हाँ ये देखिए ना 2x y cos 0 की 90 cos 90 क्योंकि दोनों के बीच का कोण क्या है 90 है cos 90 का मान क्या होता है 0 तो ये पूरा क्या हो गया 0 रिजल्ट मेरा क्या हो गया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर यही तो रिजल्ट आ गया यही तो निकालना था हमको x और y का मान मेरा निकला हुआ है पुट करेंगे निकल जाएगा क्लियर फार्मूला याद नहीं करना है प्रोसेस सीख लो कैसे करना है कल से एक चीज बता रहा हूं चलो आल्सो तुमको कहां जाना है डायरेक्शन की ओर तो डायरेक्शन बोलो कैसे निकालोगे कहां लिखा है इसको मिटा कर लिख सकते हैं यही डायरेक्शन किसका डायरेक्शन ऑफ वेक्टर एफ यही रिजल्टेंट डायरेक्शन किसका चाहिए रिजल्टेंट का चाहिए कैसे निकालते हैं आपको पता होगा कि साइन अल्फा है ना साइन अल्फा इक्वल टू मॉड ऑफ बी बी की जगह यहां कौन है y ना मॉड ऑफ बी मतलब y डिवाइडेड बाय कितना ए मॉड ऑफ बी या साइन कितना थीटा थीटा की जगह क्या है 90 डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ये ना मॉड ऑफ ए प्लस वेक्टर ए प्लस y सही है इनका मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस मॉड ऑफ वेक्टर बी दिया ये जगह क्या है या साइन हां इसको कैसे लिख सकते हैं ये पूरे के लिए क्या लिख सकते हैं बताओ तो पूरे का मॉड निकालेंगे क्या होगा ये अपना हो जाएगा जी सर तो पूरे का रिजल्टेंट यही लिख सकते हैं लिखो तो क्या हो जाएगा और जगह का अभाव रह जाता है साइन अल्फा बराबर रूट बाय बाय इसका मॉड क्या निकालेंगे रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ गया मेरा इसी में हमको क्या जान लेना है इसलिए अल्फा बराबर साइन इनवर्स बोलो y बाय रूट अंडर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर आ गया ये डायरेक्शन भी हो गया आपका और मैग्नीट्यूड भी हो गया सारा चीज निकल गया ये आपका था अलग से गिफ्ट ये सबको लिखने की जरूरत नहीं है ये गिफ्ट था आज समय कम देंगे आपको कॉपी करने का अक्षर ने बनाइए जल्दी जल्दी लिखिए आज फिनिश करेंगे इसको कम दिखाई दे रहा है देखिए ये 45 डिग्री लिखे हुए हैं ये x एक्सिस है ये y एक्सिस है चलो कल की तरह है कि कल से डिफरेंट है कल की तरह नहीं खाली कंपोनेंट निकालते हैं कल भी तो वही कर रहे हैं इसलिए आओ इतना विस्तृत नहीं बताएंगे आप ही से पूछेंगे रिजल्ट लिखते जाएंगे
जल्दी करो अभी। जाएंगे कहाँ हम? केस सेकंड की ओर बढ़ेंगे। केस फर्स्ट हो चुका है। केस सेकंड क्या होगा इस पर डिस्कस करेंगे। आप ही बताइए केस सेकंड क्या हो सकता है। गौर कीजिए। सारा केस मिटा देते हैं, कुछ नहीं है मेरे पास ऐसा। और करो यहाँ क्या है, Q4 चार्ज है, प्लस में पहले था है, अब इसमें न्यूमेरिकल का टाइप बनाना है, कैटेगरी बनाना है। बताइए क्या क्या कैटेगरी बनाएंगे इसमें, कैसे कैसे कर सकते हैं चैन Q3 को माइनस कर सकते हैं। हाँ Q3 एक मिनट, अभी ज्यादा एक बार बोलिएगा तो नहीं होगा। के सेकंड में इसको माइनस ले लें, सबको यथावत रहने दें, तो क्या होगा Q1 के द्वारा Q4 पर लगने वाला बल F1 और ये Q2 के द्वारा Q4 पर F2। और ये क्या करेगा, पहले रिपेल करता था, अट्रैक्ट करेगा। क्या होगा ये
यह थ्री बताओ इस तरह का रहेगा तो फिर नहीं सवाल बनेगा नहीं फिर वही एक्स एक्सिस वाई एक्सिस करेंगे बन जाएगा नहीं ये केस फर्स्ट हो गया अपना कर बना लीजिएगा कर लीजिएगा लेकिन केस सेकंड और कोई सवाल बनाइए हमको कैटेगरी बताइए और क्या हो सकता है इसमें Q2 को माइनस कर दे चलिए देखते हैं क्या क्या सवाल टाइप बता बना सकता है बिहार बोर्ड वाले बहुत कहता है कि कॉपी से बाहर हो गया देखते हैं कैसे कॉपी से बाहर होता है ये हाँ तो चलो कहाँ चलेंगे क्या क्या बोलिए ना Q3 है बोलिए क्या करें Q2 को माइनस करना चाहते हैं इसको प्लस करना चाहते हैं ये भी प्लस चलो ये क्या करेगा इसका इस बार ये तो रिपेल करेगा ही ये क्या करेगा ये भी रिपेल करेगा और ये क्या करेगा नहीं सॉरी Q3 है ये पूरी होगा और ये क्या करेगा हाँ माइनस है तो एट्रैक्ट करेगा क्या होगा F2 होगा बताओ फिर वही कहानी है कि कहानी बदल गई वही है ये एक्स एक्सिस मानेंगे ये वाई एक्सिस मानेंगे ये दोनों तो सीधा ही है जो टेढ़ा है उसी को सीधा किया जाता है नहीं रे कौन समझ जो टेढ़ा आदमी होगा देखो सीधा कर देता है इसको तोड़ तार करते तो वही है इसको तोड़ना है तुमको एक्स एक्सिस वाई एक्सिस से बताओ कोई भी सवाल देगा किसी भी तरह का क्या आपसे नहीं बनेगा और क्या यही तीनों केस तक हो सकता है चौथा केस इसमें सवाल नहीं बन सकता है कैसे इसी को निगेटिव कर देगा या इसी को निगेटिव कर देगा अंत नहीं है हर हाल में तीन ही फोर्स लगेगा नहीं अगला केस यदि हम कह दें इसे देखो चौथा केस लें चौथा केस में कुछ भी करोगे तीन ही फोर्स लगेगा कि चौथा ही फोर्स लगने जा रहा है तीन ही लगेगा चाहे डायरेक्शन उसका कुछ भी हो जाए नहीं जैसे देखिए हम क्या कर देंगे इसको निगेटिव कर देते हैं नहीं बताओ इसको भी क्या कर देते हैं नहीं इसको नहीं इसको पॉजिटिव इसको कर देते हैं निगेटिव बताओ ये क्या करेगा रिपेयर करेगा ये क्या करे इसको ये क्या करेगा एट्रैक्ट करेगा ये क्या करेगा ये भी एट्रैक्ट करेगा तो ये ऐसा देखो कि हर केस में तुमको क्या लगता है तीन ही फोर्स मिल रहा है कि तीन से ज्यादा फोर्स मिल रहा है तीन ही फोर्स मिल रहा है तो तीन ही फोर्स मिलेगा तो तीन रे कि चार रे कि पचास रे जब हम बोल रहे हैं आपको कि कंपोनेंट मेथड से लाखों लाख फोर्स का टुकड़ा निकाल करके आप दे सकते हैं कैसे क्या लिखते हैं सम ऑफ एक्स कंपोनेंट्स ऑफ सम ऑफ वाई ऑल गिवन वेक्टर जितना दिया है सब का जोड़ दे दो एक्स कंपोनेंट नहीं मोस्ट इजी हो गया सवाल नोट करो और ये इस तरह का सवाल हम फिनिश करते हैं आप नहीं बताएंगे केस खाली लिखिए अपना दिमाग लगाते रहिए बनाना भी नहीं है कॉपी में निकालना नहीं है केवल लिख लो हो गया इस तरह का सवाल आएगा तो उसका सामना हम कैसे कर सकते Thank you.
कंपोनेंट जिसको समझ में नहीं आया है उससे सवाल नहीं बनेगा, हाथ उठाइए कंपोनेंट किनको समझ में आया उसे भी देख करना अपना उठाइए। आप रेगुलर नहीं है क्या और फिर भी करना, ये कंपोनेंट कैसे तोड़ते हैं पता नहीं चलता, ठीक तब तो सवाल आपसे नहीं बनेगा। ये इसके लिए आपको क्लास देखना होगा कौन सा है? डाल दिए आज डाले हैं 28 से 29 वाला नहीं 28 वाला डाल दिए 29 वाला भी डालेंगे समझे, उसको देख लीजिएगा 28वां क्लास 28वां नहीं 28 तारीख का 28 तारीख का 26वां क्लास होगा 26वां क्लास और 27वां तो डालते होंगे ना सर, हां डेट भी डालते हैं 28-29 देख लीजिएगा क्लियर हो जाएगा वो, ठीक है। अब फिर यहां पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन
से ज्ञात करना चाहते हैं किसका F1 और F2 का रिजल्टेंट कैसे होगा। तो यदि F1 F2 का फिक्स मान लेते हैं कि इसको लेते हैं 4 न्यूटन ले लेते हैं और इसका क्या ले लेते हैं इसका F2 इज इक्वल टू 3 न्यूटन ले लेते हैं और कहते हैं आप बताओ ये दोनों को दोनों बल एक ही पार्टिकल पर लग रहा है एक ही वस्तु पर लग रही है तो नेट फोर्स क्या होगा 4-3-7 हो जाएगा कि कुछ और हो जाएगा ये सीखना। तो कैसे हम लोग सीखे हैं तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से सीखे हैं। पैरेललोग्राम वेक्टर एडिशन हिंदी कहते हैं सदिश योग के समानांतर चतुर्भुज नियम सदिश योग के समानांतर चतुर्भुज नियम क्या इसमें सीखे हैं तो एक पैरेललोग्राम लेते हैं नहीं एक पैरेललोग्राम लिए उस पैरेललोग्राम के दो आसन्न भुजाओं के द्वारा सूचित किए किसको विपरीत क्रम के दो सदिशों को ये विपरीत क्रम का दो सदिश है दोनों का टेल टेल मिला है तो विपरीत क्रम का और ये देखो यदि ये मिटा दें हम साइड तो दो भुजा नजर आ रही है OA और OB इन दोनों भुजाओं के माध्यम से हम पैरेललोग्राम तैयार कर सकते हैं। कैसे पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी है आमने सामने की भुजा बराबर और समानांतर होती है इसके बराबर और समानांतर खींच दिए ये फिर इसके बराबर ये समानांतर इसको खींच दिए नहीं तो क्या हो गया ये आपका पैरेललोग्राम तैयार है। लेकिन OA और OB क्या कहलाएगा आसन्न भुजा एडजेसेंट साइड कहलाता है। तो इन दोनों विपरीत क्रम के दो सदिशों को क्या करेंगे किसी समानांतर चतुर्भुज की दो आसन्न भुजाओं के द्वारा सूचित करेंगे क्या करेंगे इसको इसको F1 मानेंगे और इसको F2 मानेंगे क्लियर है। तो कहता है कि दोनों का रिजल्टेंट कौन होगा तो दोनों का रिजल्टेंट होगा दोनों आसन्न भुजाओं के कटान बिंदु से जो विकर्ण प्रारंभ होगी जो डायगोनल शुरू होगा उसी डायगोनल के द्वारा दोनों के रिजल्टेंट को हम प्राप्त करेंगे नहीं यानी डायगोनल क्या करता है दोनों के रिजल्टेंट को सूचित करता है। तो क्या सीखे यह किसके बराबर होगा F1 + F2 और इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हम निकालना जानते हैं बताइए क्या मैग्नीट्यूड होगा बता सकते हैं क्या लिखेंगे कि मॉड ऑफ F बराबर मॉड ऑफ वेक्टर F1 F2 सही है क्या दिस इज इक्वल टू और हम केवल यह लिख सकते हैं F इज इक्वल टू कितना होगा F1 मॉड ऑफ F1 लिख सकते हैं चलो देखते हैं और F इज इक्वल टू बोलिए मॉड ऑफ F1 के बदले F1 का स्क्वायर करेंगे F2 के बदले F2 का नहीं मॉड ऑफ F2 के बदले लिख सकते हैं और प्लस ट्वाइस F1 F2 cos बताओ
थीटा क्या है? F1 और F2 के बीच का एंगल है थीटा, वो किसके बराबर है? 90 डिग्री के बराबर है। तो बताइए यहाँ 90 डिग्री यदि दे देंगे क्या हो जाएगा? This is equal to हो जाएगा आपका रूट अंडर ये बताओ cos 90 जीरो, ये पूरा जीरो हो गया तो मेरा क्या बचा? F1 square plus F2 square, this is equal to बोलिए F1 का कितना मान दिया हुआ आपका, मॉड ऑफ F1 कितना होगा? चार, चार का स्क्वायर कर देंगे प्लस तीन का स्क्वायर कर देंगे क्योंकि F2 का मान 3 है, सही है? गौर करो क्या लिखेंगे, और F is equal to root under 16 plus 9, this is equal to 25, this is equal to 5 newton. अब क्लियर हुआ आपको कि रिजल्टेंट मेरा कितना के बराबर है? रिजल्टेंट 5 newton के बराबर है। ये मैग्नीट्यूड निकल गया, अर्थात ये दोनों को जोड़ेंगे तो 4 3 7 नहीं बल्कि 5 होगा। ये कह सकते हैं यहाँ 5 न्यूटन होगा, किस दिशा में? उसी के दिशा में। तो क्या सीखे हम लोग कि दो सदिशों को जोड़ना सीखे। दो सदिश दिया हुआ है, दो बल दिया हुआ था, दोनों का रिजल्टेंट कितना होगा ये सीखे नहीं, और दिशा किधर होगी दिशा के लिए हम लोग देख सकते हैं कि ये एंगल जल्दी अल्फा होगा, तो अल्फा से कितना बड़ा कोण बनाएगा ये हम ज्ञात कर सकते हैं डायरेक्शन भी। और उसको क्या लिखा यहाँ, उसको डायरेक्शन किसका जानना है? डायरेक्शन ऑफ वेक्टर या अपनी रिजल्टेंट का। डायरेक्शन के लिए हम बताए थे कि साइन अल्फा बराबर लिखिए मॉड ऑफ एफ टू साइन थीटा डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ वेक्टर F1 प्लस वेक्टर F2, सही है? और दिस इज इक्वल टू बोलिए मॉड ऑफ F2, F2 का मान कितना है? हम लिख सकते हैं ना F2 साइन कितना डिग्री? 90 डिग्री डिवाइडेड बाय कितना? मॉड ऑफ वेक्टर F1 प्लस F2 है ना मॉड, इसका मान कितना आया हमारा? 5 5 5 यहां 5 है, तो नीचे भी आप लिख सकते थे हम रिजल्टेंट नहीं। yes. और यह आप देखो तो और लिखें तो साइन अल्फा किसके बराबर हो जाएगा? साइन 91, तो क्या होगा? एफ टू बाय एफ, एफ टू का मान कितना है? एफ टू का मान 3 है, एफ फाइव एफ का मान 5 है। तो बताओ क्या निकाले तुम? साइन अल्फा बराबर निकाले 3/5, लेकिन चाहिए हमको अल्फा, अल्फा बराबर क्या होगा? साइन इनवर्स 3/5, समझ में आया? साइन इनवर्स हो गया 3/5, ठीक है? ये जोड़ना सीखे, इसको कहते हैं एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, ओके? इसको नोट कर लीजिए।
तो क्या होगा? हम लोग देखे दो सदिशों को कैसे जोड़ा जाता, जोड़ना सीखे, अब सीखेंगे दो सदिश को जोड़े तो क्या मिला? एक वेक्टर मिला? Yes. नहीं, अब उसको क्या सीखेंगे? जोड़ना सीखेंगे। दोनों को जोड़े तो क्या मिला था? F मिला था? Yes. यह आपका मान कितना था? 5 न्यूटन। केवल 5 न्यूटन दिया रहे और ये एंगल दिया रहे मेरा, तो कैसे उसको तोड़ेंगे? ठीक है, उसको कहते हैं रिजोल्यूशन ऑफ ये वेक्टर। जल्दी से देखिए तो क्या सीखेंगे? रिजोल्यूशन ऑफ ये वेक्टर सदिश का वियोजन, सदिश का वियोजन। तो कैसे वियोजित करेंगे देखिए, क्या दिया रहेगा? मात्र एक ही वेक्टर दिया रहेगा। चलिए ये वेक्टर आपको दिया हुआ, ये वेक्टर दिया हुआ है कितना? F = 5 न्यूटन है। इसको क्या करना है? तोड़ना है। किसके अलाउ? x एक्सिस के अलाउ और y एक्सिस के अलाउ। इट मींस हमको इसका एक टुकड़ा निकालना है x एक्सिस के अनुदिश, ये वेक्टर f, समझे? ये सिर्फ सीधा जानो, ये सबका एक टुकड़ा निकालना है। f हुआ पहले, f कौन था मेरा? Yes. कितना था? F1. 5 न्यूटन था? 4 न्यूटन। ये 4 न्यूटन था, ये कितना था? 3 न्यूटन। तो क्या करना है? ये 5 दिया हुआ है, अब निकालना है कि F1 का मान कितना होगा और F2 का मान कितना होगा। ठीक है, इसके लिए प्रोसेस जानना होगा आपको, क्या ये एंगल जानना होगा। ये एंगल मान लेते हैं क्या है? अल्फा है। ठीक है, अल्फा है तो फिर इसका टुकड़ा कैसे ज्ञात करेंगे? आपको एक टेक्निक सीखना होगा, एक फॉर्मूला याद कर लेना पड़ेगा, क्योंकि अभी प्रूफ का समय नहीं है आपके पास। तो जिधर एंगल होगा उधर कॉस होता है, जिधर एंगल नहीं होता उधर साइन होता है। तो इसका एफ का टुकड़ा इसके अलावा क्या होगा देखो, तो एफ कॉस अल्फा, जिधर एंगल उधर कॉस, जिधर एंगल नहीं है इधर क्या होगा? साइन होगा। क्या लिखेंगे? एफ साइन थीटा, सही है? अल्फा है तो साइन अल्फा, सही है? अब इसको हम मान सकते हैं F1, इसको मान सकते हैं F2, और वेक्टर के रूप में लिखेंगे तो इसको क्या लिखना पड़ेगा? यहाँ i, यहाँ वेक्टर F1, यहाँ j लिखेंगे, यहाँ वेक्टर F2। लेकिन कहिएगा नहीं, सिर्फ मैग्नीट्यूड बताइए कितना होगा, डायरेक्शन से हमको मतलब नहीं है। तो मैग्नीट्यूड के लिए हम वेक्टर F1 कंपोनेंट वेक्टर कहलाता है, और F cos alpha i v कंपोनेंट वेक्टर कहलाता है, किसका? वेक्टर F का। और इसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, F1 = F cos alpha। अर्थात सिर्फ F1 का मैग्नीट्यूड कितना होता है? F cos alpha। ये F cos alpha कहलाता है कंपोनेंट ऑफ
इस एफ का टुकड़ा निकाले एक्स एक्सिस के अनुदिश वेक्टर एफ वन इजिकल टू एफ कॉस अल्फा आई, क्योंकि जिधर एंगल उधर कॉस, जिधर एंगल नहीं है उधर साइन। लेकिन ये वेक्टर एफ वन या एफ एन कॉस, वेक्टर एफ वन या कॉस अल्फा इंटू आई, ये क्या कहलाता है? ये कंपोनेंट वेक्टर ऑफ वेक्टर एफ, यानी वेक्टर एफ का कंपोनेंट वेक्टर कहलाता है। हिंदी में कहते हैं वेक्टर एफ का घटक सदिश, वेक्टर एफ का घटक सदिश कहलाता है। और यदि सिर्फ मैग्नीट्यूड लेते हैं एफ वन, तो एफ वन बराबर हो जाएगा एफ कॉस अल्फा, और ये क्या कहलाता है? एफ कॉस अल्फा ये कहलाएगा सिर्फ कंपोनेंट ऑफ वेक्टर एफ। हिंदी में स्पष्ट है कि कह सकते हैं कि वेक्टर एफ का घटक, घटक मतलब होता है टुकड़ा या अवयव। अवयव ये क्या होता है? यह अदिश राशि होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है, अदिश राशि, स्केलर क्वांटिटी अदिश राशि होती है। और ये जो आपका नाम से ही स्पष्ट है वेक्टर एफ का घटक सदिश, कंपोनेंट वेक्टर, कंपोनेंट वेक्टर क्या है? यह आपका वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी सदिश राशि। और इसका आप वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे? तो देखिए, तो ये F1 इक्वल टू F का मान कितना है? 5। और गौर कीजिएगा cos अल्फा का वैल्यू कितना होगा? तो हमको तो कि F का टुकड़ा निकालना है, तो इसके लिए हमको क्या दिया रहता है? अल्फा का मान दिया रहता है। और यहाँ देखिए आप अल्फा का वैल्यू यहाँ ऑलरेडी दिया हुआ है, हम लोग यहाँ लिख सकते हैं क्योंकि साइन अल्फा ये दिया हुआ, देखिए अल्फा इक्वल टू कितना है? साइन इनवर्स 3/5। तो क्या लिखना है? इससे निकाल सकते हैं इसलिए साइन अल्फा इक्वल टू 3/5। और जब साइन अल्फा हमको पता है तो कॉस अल्फा हम कई एक तरीके से निकाल सकते हैं, लेकिन सिंपल तरीका क्या है? ये ट्रायंगल ले लेते हैं, ये देखिए ट्रायंगल लिए, और इस ट्रायंगल में हम जानते हैं ये क्या होता है? लंब बटा कर्व। तो यदि ये एंगल अल्फा ले लें, इस अल्फा के सामने की भुजा ये क्या होगा? लंब होगा। तो ये क्या हो गया? ये 3 हो गया। और 90 डिग्री के सामने भुजा क्या होगा? कर्ण होगा। तो लंब बटा कर्ण है, तो कर्ण यहाँ 5 है, तो यहाँ क्या हो गया? ये 5 हो गया। अब एक आधार की बारी है, आधार निकालना है, तो आधार कैसे ज्ञात करेंगे? आधार निकालते हैं कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर का रूट। तो बताइए यदि हम नाम यहाँ कर दें, नाम कर दें, देखिए क्या हुआ कि ओ ए सी। तो चलिए ओ ए सी यदि मान लें यहाँ ट्रायंगल, तो बताइए कि क्या लिखना पड़ेगा हमको? कॉस अल्फा कैसे निकालेंगे?
तो कॉस अल्फा बराबर होगा आधार बटा कर्ण, तो आधार बटा कर्ण होगा तो कहिए क्या होगा, OA बार OC, लेकिन हमको पहले चाहिए OA, देखिएगा फिर से हम करना क्या चाहते हैं, हम पहले OA का मान ज्ञात करना चाहते हैं। OA का मान कैसे होगा, तो कहता है OA तो क्या आधार है, OA बराबर क्या होगा, रूट अंडर हो जाएगा कर्ण स्क्वायर मतलब 25 और ये लंब स्क्वायर मतलब 9, क्या हो गया ये, ये रिजल्ट आपका आ जाएगा रूट अंडर देखिए तो 16 और ये क्या होगा 4 हो जाएगा, तो OA का मान क्या हो गया 4 हो गया। OA का मान जब 4 हो गया तो देखिए तो OA का मान 4 हो गया तो हम cos अल्फा का मान निकाल सकते हैं, cos अल्फा इक्वल टू क्या होगा, तो cos अल्फा यहाँ देखिए तो cos अल्फा निकालेंगे तो आधार बटा कर्ण हो जाएगा, तो आधार का मान कितना है 4 है, कर्ण का कितना मान है 5 है। अब देखिए हमको यहाँ क्या ज्ञात करना था, cos या cos अल्फा, यह का मान तो 5 ली लेकिन cos अल्फा का मान देखिए अभी निकला 4/5 और कैंसिल कीजिए, देखिए तो हमको यह 1 निकल गया, कितना 4 निकल गया, 4 न्यूटन भी ले सकते हैं, 4 न्यूटन ले सकते हैं, ये क्या हो गया इस यह का x कंपोनेंट का वैल्यू हो गया, अर्थात यह 1 का मान हो गया 4 न्यूटन, x एक्सिस के अनुदिश इस 5 न्यूटन का टुकड़ा हो जाएगा 4 न्यूटन। और अब हमको ज्ञात करना है y एक्सिस के अनुदिश इस वेक्टर f का टुकड़ा कितना होगा, अर्थात 5 न्यूटन का टुकड़ा करेंगे y एक्सिस के अनुदिश तो क्या होगा, दिस इज इक्वल टू होगा, देख सकते हैं आप केवल मैग्नीट्यूड लेना है हमको, f2 इज इक्वल टू क्या होगा, तो f का मान 5 है, पहले एक स्टेप लिख लेते हैं हम लोग, f sin अल्फा, यहां डायरेक्शन से का मतलब नहीं है केवल मैग्नीट्यूड चाहिए, दिस इज इक्वल टू 5, f का मान 5 है और sin अल्फा का मान आप देख सकते हैं यहां क्या आया है 3/5, क्या लिखेंगे 3/5 कैंसिल हो गया, क्या हुआ 3, तो क्या मतलब हो गया f2 का मान हो गया 3 न्यूटन और f1 का मान हो गया 4 न्यूटन और यही तो मेरी मंजिल थी, यही मंजिल मींस कि पहले हम क्या किए थे, दो वेक्टर हमको दिया हुआ था, दोनों वेक्टर का योग निकालते थे, दोनों वेक्टर को जोड़ेंगे तो कितना होगा, उसके बाद क्या करने लगे, कोई एक ही वेक्टर दिया हुआ था उसको क्या करने लगे तोड़ने लगे, ये वेक्टर हमको ये दिया हुआ है वेक्टर और इसका इसको एक ही वेक्टर को दो टुकड़े में बांटेंगे तो कितना होगा, तो देखिए ना 5 न्यूटन आपका इस डायरेक्शन में लग रहा था तो एक टुकड़ा हो गया यहाँ 4 न्यूटन x एक्सिस के अनुदिश और दूसरा y एक्सिस के अनुदिश कितना हो गया 3 न्यूटन, यही शीर्षक डाले थे रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर, किसी सदिश का वियोजन अर्थात एक वेक्टर को कैसे वियोजित करेंगे कैसे तोड़ेंगे, तो इसके टुकड़ा को जो वेक्टर है ये इसका टुकड़ा भी कीजिएगा वेक्टर ही होगा उसको कहेंगे कंपोनेंट वेक्टर, किसका वेक्टर यार का ही ये कंपोनेंट वेक्टर कहलाएगा, लेकिन इसका जब मैग्नीट्यूड सिर्फ निकालेंगे तो वो कंपोनेंट हो जाएगा, स्केलर क्वांटिटी होता है, इस तरह से
दो टर्म्स को हम लोग चिन्हित कर सकते हैं, बार बार यही चर्चा हम करेंगे। ये देखिएगा कि एक सीखे हम लोग कंपोनेंट, कंपोनेंट वेक्टर, और दूसरा सीखे फर्स्ट में कंपोनेंट वेक्टर, दूसरा सिर्फ कंपोनेंट सीखे। तो कंपोनेंट वेक्टर तो लिखा हुआ है यहाँ कि घटक सदिश बोलते हैं हिंदी में, और इसका कंपोनेंट का सिर्फ घटक बोलते हैं। स्पष्ट है ये सदिश राशि है, ये अदिश राशि है, इसकी बार बार हम चर्चा करेंगे, खास करके कंपोनेंट का। कंपोनेंट को समझिए कि कंपोनेंट वेक्टर का ये मैग्नीट्यूड होता है। कंपोनेंट वेक्टर यहाँ क्या था मेरा वेक्टर, यह वन था कंपोनेंट वेक्टर, तो कंपोनेंट हो गया सिर्फ यह वन। यदि कंपोनेंट वेक्टर क्या था, एफ कॉस अल्फा इनटू आई, तो कंपोनेंट केवल क्या होगा, एफ कॉस अल्फा होगा। सेम उसी तरह से यहां भी कह सकते हैं वेक्टर एफ टू यदि कंपोनेंट वेक्टर है, तो वेक्टर एफ टू का मैग्नीट्यूड दैट इज एफ टू क्या होगा, ये कंपोनेंट होगा। इस तरह से हम लोग सीखे कि किसी भी वेक्टर का कंपोनेंट कैसे निकालते हैं, अर्थात उसका टुकड़ा कैसे ज्ञात करते हैं, एक्स एक्सिस का दिस और वाई एक्सिस का दिस, उसी को कहते हैं रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर सदिश का योजना। ठीक, आज इतना ही करेगा, समझ में आ गया होगा।